किरण मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन 24 घंटे सातों दिन टोल फ्री नंबर 1800-599-0019। इस हेल्पलाइन के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी तथा अंग्रेजी में पोस्टर का निर्माण किया गया है। मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास क्या है? मानसिक स्वास्थ्य विकारों का सामना करने वाले व्यक्तियों की विकलांगता और मृत्यु दर अनुपात में उच्चतर होती है। मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास मानसिक बीमारी से उबरने के लिए एक सेवा है जो किसी व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता, सामाजिक समावेश और उनके कौशल को प्रोत्साहित करके स्वतंत्रता और स्वायत्तता को बढ़ावा देती है ताकि उन्हें भविष्य के लिए आशा दी जा सके और उचित समर्थन के माध्यम से सफल समुदाय का विकास किया जा सके। मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास की आवश्यकता। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2019 की रिपोर्ट के अनुसार 4 में से 1 व्यक्ति मानसिक समस्या से प्रभावित है। विश्व में लगभग 45 करोड़ लोग ग्रसित हैं। दिव्यांगता तथा रुग्ण स्वास्थ्य के लिए प्रमुख उत्तरदायी कारकों में मानसिक रोग भी एक। मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास की आवश्यकता। भारत में 18 वर्ष से अधिक आयु में मानसिक रोगों का प्रसार 10.6% है। 1990 से 2017 तक भारत में मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं क्रमशः 2.5% से बढ़कर 14.3% हो गई हैं। मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन की आवश्यकता। सभी प्रमुख हेल्पलाइन मानसिक स्वास्थ्य उपचार पर केंद्रित हैं। कोविड-19 जैसी महामारी के दौरान व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए अधिक असुरक्षित होते हैं। भारत में लगभग 15 करोड़ जनसंख्या को मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता है। किरण क्या है? मानसिक रोग से ग्रसित व्यक्तियों के पुनर्वास एवं मानसिक स्वास्थ्य के उत्थान हेतु अपने दायित्वों के निर्वहन के क्रम में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने 24 घंटे व सप्ताह के 7 दिन मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन की शुरुआत की है। मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन के उद्देश्य। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की शीघ्र पहचान, प्राथमिक उपचार, मनोवैज्ञानिक सहयोग, तनाव प्रबंधन, मानसिक स्वास्थ्य का उत्थान, सुधारात्मक व्यवहारों को बढ़ावा देना, मनोवैज्ञानिक आपदा प्रबंधन, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के पास रेफर। ये हेल्पलाइन क्या प्रदान करती है? निम्नलिखित मानसिक व्याधियों के समाधान हेतु परामर्श प्रदान करती है। दुश्चिंता, मनोग्रसितता व बाधिता विकार यानी OCD, आत्महत्या व आत्मघात हेतु रोकथाम, अवसाद या उदासी, पैनिक अटैक, समायोजन विकार, आघातोपरांत तनाव विकार, व्यसन। उपर्युक्त के अतिरिक्त ये हेल्पलाइन अन्य मानसिक समस्याओं के उपचार हेतु कार्य करती है, जैसे अति तनाव ग्रसित व्यक्तियों हेतु सहयोग, महामारी जन्य मनोवैज्ञानिक प्रभाव, मानसिक स्वास्थ्य संबंधित आपातकाल। मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन में भाषाएं। हेल्पलाइन हेतु उपलब्ध हिंदी सहित अन्य भाषाएं हैं असमिया, उड़िया, गुजराती, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, उर्दू, मराठी, मलयालम, कन्नड़ और अंग्रेजी। लक्ष्य समूह जम्मू, लद्दाख, कश्मीर, पूर्वोत्तर के 8 राज्य, अंडमान तथा निकोबार एवं लक्षद्वीप सहित संपूर्ण भारतवर्ष का कोई भी व्यक्ति, परिवार, NGO, अभिभावक संगठन, व्यावसायिक संघ, पुनर्वास संस्थान अथवा अस्पताल, जिन्हें मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित परामर्श की आवश्यकता हो, वो इसके लक्ष्य समूह होंगे। कार्यकाल।
24 घंटे सप्ताह के सातों दिन और रात निरंतर कार्यरत रहेगी। अनवरत सेवाओं को जारी रखने के लिए एक विशिष्ट मोबाइल नंबर तथा हैंडसेट प्रत्येक हेल्पलाइन सेंटर में उपलब्ध होगा। संचालन क्षमता। टोल फ्री नंबर सभी 25 केंद्रों द्वारा प्रयोग किया जा सकता है, जिसकी क्षमता को 30 केंद्रों तक बढ़ाया जा सकता है। 10 लाभार्थी प्रति घंटा की क्षमता के साथ कुल 30 चैनल में उपलब्ध हैं, अर्थात एक बार में एक साथ 300 लाभार्थियों को सेवा प्रदान की जा सकती है। अनुवर्ती सेवा। अनुवर्ती एवं सहायक सेवाओं के माध्यम से फोन करने वाले को एक निश्चित समय दिया जाएगा, जिससे उसे मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक और अन्य दूसरी सेवाओं के सेवा प्रदाताओं से जोड़ा जा सके। हेल्पलाइन में कॉल बैक करने की भी सुविधा होगी, जिससे विशेषज्ञ को फोन करने वाले के संपर्क में रहने का मौका मिलेगा तथा उनकी व्यक्तिगत व्यावसायिक पहचान गोपनीय रखी जाएगी। किरण मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन के लिए मानव संसाधन। प्रथम स्तर की सहायता। किरण केंद्र पर मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ 25x3 75 हैं। द्वितीय स्तर की सहायता। 660 चिकित्सा पुनर्वास मनोवैज्ञानिकों ने स्वेच्छा सेवा हेतु सहमति प्रदान की है। द्वितीय स्तर की सहायता। 668 मनोचिकित्सकों ने स्वेच्छा सेवा हेतु सहमति प्रदान की है। मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन के प्रोटोकॉल और मॉड्यूल्स। संसाधन पुस्तिका। हेल्पलाइन के प्रोटोकॉल और मॉड्यूल्स तकनीकी समिति द्वारा बनाए गए हैं। संसाधन पुस्तिका हेल्पलाइन के 3 महीने के संचालन तथा प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर पुनः संशोधित की जाएगी। समन्वयन संस्थाएं। राष्ट्रीय बहु दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान दिव्यांगजन NIEPMD चेन्नई। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान सीहोर मध्य प्रदेश। हेल्पलाइन केंद्र दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अधीन समस्त राष्ट्रीय संस्थान, संयुक्त पुनर्वास केंद्र, क्षेत्रीय केंद्र, वर्तमान समय में 25 केंद्र हेल्पलाइन सेवा हेतु तैयार हैं। तकनीकी समन्वयन। कॉल सेंटर व्यवस्था का प्रबंधन BSNL चेन्नई तमिलनाडु द्वारा किया जाएगा। सहयोगी संस्थाएं। इंडियन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट IACP, इंडियन साइकेट्रिस्ट एसोसिएशन IPA, इंडियन साइकेट्रिक सोशल वर्कर एसोसिएशन IPSWA। मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन से संबंधित पोस्टर, ब्रोशर और रिसोर्स बुक हिंदी तथा अंग्रेजी में वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। परियोजना मार्गदर्शक। परियोजना संकल्पन। श्रीमती शकुंतला डी गामलिन, सचिव DEPWD, भारत सरकार। परियोजना निर्देशन। डॉक्टर प्रबोध सेठ, संयुक्त सचिव DEPWD, भारत सरकार। परियोजना संयोजन। डॉक्टर हिमांशु दास, निदेशक NIEPVD, देहरादून। संसाधन पुस्तिका हेतु योगदान करता है डॉक्टर रोशन बिजली, निदेशक CRC, कोझिकोड, केरल। श्रीमती प्रगति पांडे, सहायक प्राध्यापक, चिकित्सा मनोविज्ञान, NIMHR, सीहोर मध्य प्रदेश। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ढालवाल, सहायक प्राध्यापक, चिकित्सा मनोविज्ञान, NIEPVD, देहरादून, उत्तराखंड। धन्यवाद।